भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने आदिवासी संस्कृति और परंपरा का खिलाफत करने वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए पत्रकार वार्ता में आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में आदिवासी समाज के साथ हो रहे शोषण पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि किस अधिकार से वो आदिवासी समाज के बीच पहुंच रहे हैं और किस मुंह से आदिवासी समाज के एकता उत्सव में शामिल हो रहे हैं। इस तरह से आरोप लगाते ही पत्रकार वार्ता में पेशा एक्ट पर जवाब मांगते हुए देवलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज का उत्सव मनाने जा रहे हैं वो बस्तर अंचल में ध्यान देने की जरूरत है। कौन सा मुंह लेकर जा रहे हैं, आदिवासी संस्कृति और परंपरा का खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं भाजपा द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए भाजपा के सकारात्मक कार्य के बारे में बताया कि भाजपा सरकार ने 2011 में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 से बढ़ाकर 32 किया। कांग्रेस आज भी इस मामले पर सिर्फ राजनीति कर रही है। भाजपा ने काम किया था, आदिवासियों का अधिकार दिया था। वहीं प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण दर को सन 2003 में 450 से बढ़कर सन 2018 में 2500 किया गया। कुपोषण से जूझ रहे आदिवासी समाज के लिए वैश्विक प्रसिद्धि अर्जित करने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित कर गरीब परिवारों को 1 और 2 प्रति किलो की दर पर प्रतिमाह 35 किलो चावल का वितरण किया गया। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों पर भाजपा के प्रवक्ता ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए सीधा निशाना साधा। इस मौके पर मीडिया के समक्ष देवलाल ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, आदिवासी स्वतंत्र हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल में जा सकते हैं, लेकिन जब जब उनका शोषण हुआ है तब तब आवाज़ उठानी पड़ती है। और निश्चित ही 70 सालों में कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनका शोषण किया, इसलिए आदिवासी समाज अब अन्य दलों की तरफ देख रहे हैं और भाग रहे हैं उनके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे आदिवासी सीटों पर पुरजोर मेहनत कर रही है। सारे हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर लगे हुए हैं, जनहित मुद्दे को लेकर हो, आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुद्दे को लेकर हो, जल जमीन जंगल की बात हो, सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर है। टिकट जो लोग जीतने योग्य प्रत्याशी होंगे सारे लोग को टिकट मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है वो पार्टी के हाईकमान तय करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं होता, कब एक छोटा सा चेहरा बड़ा चेहरा बन जाता है ये भारतीय जनता पार्टी में ही देखा जाता है। कि एक चाय बेचने वाला आदमी भी प्रधानमंत्री बन जाए, वो पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी अन्य दलों में नहीं देखा जा सकता। इसलिए इस चेहरों को ना देखो, आप भारतीय जनता पार्टी की नीति को देखो। मैं आदिवासी होने की हैसियत से मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने की मांग करूँगा। देखिए, निश्चित ही जो ट्राइबल सब प्लान के लगभग 100 करोड़ रुपये थे उसको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने प्रभाव में, अपने बल से, अधिकारियों के सहमति से उनको दबाव डालकर इस मद की राशि को परिवर्तित कर लिया, जो कि अनुचित है। किसी भी आदिवासी परियोजना का पैसा का मद परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि अगर वो आदिवासियों के हितैषी हैं तो इस प्रकार का कार्य आपराधिक कार्य है। देखिए, मेरा आरोप लगाने का कारण ये है कि आज ये आदिवासी दिवस को इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार गौरव दिवस मनाने जा रही है। आज आप आदिवासी बच्चों का पैसा रोक रहे हैं और 7000 बच्चे जिनको आप छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, 39000 जो नवजात शिशु हैं वो आदिवासी अंचल में मारे जाते हैं, एक आदिवासी महिला से रामानुजगंज में गैंग रेप होता है और आरोपी भाग जाते हैं, क्या इसी का गौरव दिवस मना रहे हैं? पिछले साल नीट के एग्ज़ाम में 110 आदिवासी बच्चे सरकार के आक्रमणकारी नीति के कारण डॉक्टर नहीं बन पाते, इसके लिए आप गौरव दिवस मना रहे हैं? इस कांग्रेस की सरकार को बताना होगा, क्या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से आदिवासी तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के पैसे को लूटकर डाका डालकर अपने क्षेत्र में संयंत्र लगा रहे हैं, इसके लिए आदिवासी गौरव दिवस मना रहे हैं? ये प्रदेश की जनता को, आदिवासी समाज को बताना होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।